A very warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. This is Vinay pandey here again. Class 12 ka application of integrals ke previous years ke series hum kar rahe the. Baat kare previous videos ki to integral ke humne 4 5 years ke question solve kiye the aur do videos already main application of integrals ke dal chuka hu jisme 2015 और 2016 में उत्तराखंड बोर्ड CBSE और दिल्ली बोर्ड में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है 2017 में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे. तो वन बाय वन तीनों 2017 के क्वेश्चन देखते हैं. पहला उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE देन दिल्ली बोर्ड. आते हैं पहले क्वेश्चन में. पहले डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं इसका. एक पैराबोला आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई. एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई पैराबोला इस तरीके से बनता है और लेटेस्ट रेक्टम इसका होगा जो फोकस से पास होते हुए लाइन जाती है. ये ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. ये लेंथ कितनी होती है ए, ये डिस्टेंस भी ए होती है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ए कॉमा ए. तो ये वाला पोर्शन आपको ओ ए एस बी इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है. और आपको बताया हमने कि कौन सा फॉर्मूला वाई डी एक्स या एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला हमको किस केस में यूज करना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको कौन सा यूज करना होगा, एक्स डी वाई काफ़ी डिटेल में पहले बता चुका हूँ मैं इसमें. तो हम इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे तो आपको पूरा एरिया इसका मिल जाएगा. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एक एरिया निकालेंगे उसका डबल कर देंगे और फॉर्मूला कौन सा, एक्स डी वाई किसके करस्पॉन्डिंग, ओ ए एस ओ, ओ ए एस ओ. तो ट्वाइस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, टू रूट ए रूट वाई डी वाई और लिमिट क्या है, जीरो से लेकर के ए तक, ए तक ये जा रहा है. फोर रूट ए वाई की पावर वन बाई टू का वाई की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, लिमिट हो गई जीरो से ए. तो ये टू ऊपर आ जाएगा, एट बाई थ्री ए की पावर वन बाई टू और लिमिट लगाएंगे तो ए की पावर कितनी हो गई, थ्री बाई टू. तो थ्री बाई टू और वन बाई टू ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, फोर बाई टू. फोर बाई टू का मतलब एट बाई थ्री ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स इस पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा. तो इसी तरीके से क्वेश्चन में चेंज होकर के यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स भी बन सकता है. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में पैराबोला इस तरीके से बनेगा. एरिया उस केस में भी इतना ही आना है. आपको उस केस में फॉर्मूले में क्या चेंज करना होगा, फॉर्मूला चेंज करके आपको एक्स डी वाई ने लगा करके क्या लगाना होगा, वाई डी एक्स का फॉर्मूला. तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था. उत्तराखंड बोर्ड का हमने पहला क्वेश्चन देखा. इसी तरीके से आप इसमें यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट क्या होती है एरिया की, स्क्वायर यूनिट्स. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ. आते हैं सेकंड क्वेश्चन में जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. पैराबोला यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका डायग्राम पहले फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे भी फिर से. ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई. पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये पैराबोला बनेगा. और ये लाइन क्या है, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व. माइनस ट्वेल्व अपॉन में आएगा तो थ्री एक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व, माइनस टू वाई अपॉन माइनस ट्वेल्व. तो एक्स अपॉन माइनस फोर प्लस वाई अपॉन सिक्स इक्वल टू कितना आ गया, वन. एक्स को माइनस फोर पे कट कर रहा है और वाई को कट कर रहा है सिक्स पे. तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम फॉर्म होगा. तो इतने पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, ओ ए बी सी. ओ ए बी सी का निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेते हैं एल और यहाँ से एम.
तो हम क्या करेंगे, एम ओ एल ए बी सी एम इस पूरे का एरिया निकालेंगे और इससे ये नीचे वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो आपको वो वाला पोर्शन मिल जाएगा जो आपको निकालना है। एक तो ये ध्यान रखिए, दूसरा फॉर्मूला क्योंकि ये एक्स एक्सिस में आ रहा है तो हमको वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं आपको बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशंस को इसको और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकालें या यहाँ से हम वैल्यू निकाल करके यहाँ रखें तो 3x माइनस 2y की जगह कितना आ जाएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो 12 से हम ले लेंगे 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो, 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 2। x की दो वैल्यूज आएंगी माइनस 2 और 4। y की वैल्यू निकालनी है तो y कितना है, 3/4 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 4 3। तो यहाँ पे x है माइनस 2 और y है 3, और 4 रखेंगे तो 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा y, कब, जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे। तो जहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया कि जहाँ पे दोनों कर्व्स ये पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं उसके लिए आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आप इजी है एरिया निकालना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला आपको लगाना है वाई डी एक्स का। पहले हम ये पूरा एरिया निकालेंगे, एम ओ एल ए बी सी एम, इससे कौन सा एरिया माइनस करेंगे, नीचे वाला, कौन सा, एम ओ एल ए ओ सी एम वाई डी एक्स, समझ में आ रहा होगा आपको। इस पूरे एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो इसमें हम बात करें वाई की, तो ये वाला डायग्राम देखिए अब इसमें कौन सा कर्व यूज हो रहा है इस वाले रीजन के लिए, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से अगर हम वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2x प्लस 12/2 यानी कि 6 dx। और इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक x कितना वेरी कर रहा है, माइनस 2 से लेकर के 4 माइनस, इस वाले पोर्शन में यूज़ हो रहा है पैराबोला, और पैराबोला से अगर हम y निकालें तो कितना हो जाएगा, 3/4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी x की वेरिएशन जो है वो माइनस 2 से 4 हो रही है dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें आप और लिमिट अप्लाई करें तो आपको वो एरिया मिल जाएगा जो एरिया आपको निकालना था। तो ये इंटीग्रेशन इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बड़ा इजी इंटीग्रेशन है। ये कंसेप्ट आपको समझना है, इस पूरे एरिया से इस नीचे वाले एरिया को आपको माइनस कर देना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वाई डी एक्स वाला। और इसी तरीके से हम बात करते हैं जो दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड के अलावा सीबीएसई में भी आया हुआ है क्वेश्चन पहले, तो इसको ध्यान से देखें आप। पहले इसका ग्राफ आपको बनाना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर हम मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ बनता है वी, जो ओरिजिन से पास होता है, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन मॉड एक्स प्लस 3 है तो जितना ये एडिशन में आ रहा है उसका अपोजिट साइन, ये ग्राफ उतना शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक्स प्लस 3 है तो इसका मतलब एक्स, इसका 3 का अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसमें ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बनेगा वी, लेकिन शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी एग्जैक्टली सेम स्लोप में बनेगा, ये थोड़ा सा मैंने बेंड कर दिया। तो ये एरिया आपको निकालना है, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फिलहाल बन नहीं रही है, तो ये वी बनेगा
और ये वी मैंने आपको बना के दिखा दिया, और ये वी कहाँ से कहाँ तक आपको बनाना है, -6 से लेकर के 0 तक, इतने पोर्शन का आपको, ये दोनों पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट में डिवाइडेड कैसे होता है इसको ध्यान से समझिएगा आप। अगर हम बात करें y इक्वल टू मॉड x, ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है y इक्वल टू x होता है, और ये होता है y इक्वल टू -x। तो इस वाले केस में अगर हम बात करें हमको एरिया कौन सा निकालना है, ये दोनों एरिया निकालना है। तो ये होगी y इक्वल टू x+3, और ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू -x+3। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर ये y इक्वल टू x+2 होता तो -2 पे शिफ्ट हो जाता। अगर x y इक्वल टू मॉड x -2 होता तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता, 2 पे। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, बाकी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड, पहले इसका एरिया निकालेंगे वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ, -6 से लेके -3, और -3 से लेके 0 वाई डी एक्स, -6 से -3, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -x -3 डी एक्स, प्लस -3 से 0 पे वाई की वैल्यू क्या है, x+3। बस इतना आपको समझना है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये है। और इसको इंटीग्रेट करें आप, इसका x²/2 3x, इसका x²/2 3x, लिमिट लगाएं, तो लिमिट लगा करके आपको इन दोनों पोर्शन का जो एरिया हमको निकालना था वो एरिया हमको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नंबर्स की वैल्यू चेंज होते रहे तो आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट होता रहेगा, बनेगा हर केस में वी, लेकिन शिफ्टिंग होती रहेगी ओरिजिन से। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफ़ी पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो जिस टाइप्स के मैंने क्वेश्चन ये 3 ईयर्स के क्वेश्चंस में करवा दिए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को और सॉल्व करें, और आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 100% इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करते रहें, जल्दी मैं अगला वीडियो भी आपके सामने लेकर के आऊँगा।